જો અહીંયા માપણી થઈ રહી છે તો કઈ બાબતે થઈ રહી છે અને શું સમસ્યા છે? સમસ્યા એસા હૈ કે શ્રી ગ્રામ પંચાયત કે વિસ્તાર મેં જીતને ભી સરકારી જમીન હૈ કરીબ કરીબ સબકા માપણી ચાલુ હૈ। आजू बाजू में जो सरकारी ज़मीन में दबान है उसको हटाने का भी काम चालू है, और अभी जो मापनी चालू है गायत्री नगर में, उसके बाजू में सरकारी ज़मीन आती है, एक नई नगरी के बाजू में सरकारी ज़मीन है होबर कंपनी से जुड़ा हुआ, दूसरा इसके बाजू में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी सरकारी ज़मीन हमारा जुड़ा हुआ है। पंचायत को कोई काम करना होता है सरकार का, तो सरकारी ज़मीन नहीं होने की वजह से हमारा काम रुकता है, चाहे वो प्रोसेस वाला हो, जो कचरा प्रोसेस का हो, चाहे वो हमारा सब सेंटर का हो, चाहे वो हमारा अदर काम हो। पंचायत के कोई भी काम के लिए हमें सरकारी ज़मीन चाहिए, और सरकारी ज़मीन लगभग दबान में है, इसलिए हम लोग छुड़ाने का काम चालू किए हैं। अभी पिछले कई महीनों से इसका सर्वे भी चालू है, तीसरी या चौथी बार ये सरकारी सर्वेयर आए हैं और ये सर्वे चालू है, और कुछ समय में सारी ज़मीन खाली करके और इसका यूज किया जाएगा। यूज ऐसा किया जाएगा जो जनता के हित में, यहाँ के लोग ही इसको यूज करेंगे, वो चाहे स्कूल में जाए, हॉस्पिटल में जाए, या उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाए, या किसी अदर काम के लिए। जो हमारा प्रपोजल है वो लोगों के हित के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है, चाहे गटर व्यवस्था के लिए हो, रोड के लिए हो, रास्ते के लिए हो। जो ज़मीन दबान हो सारे के सारे हटाए जाएंगे, और बहुत जल्द हटा करके उसके ऊपर सरकारी का काम काज भी चालू होगा। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो दबान किए हुए जो लोग हैं वो ये सरकारी काम में रुकावट कर रहे हैं, तो इसमें सरकारी अफसर पंचायत को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, 100% कर रहे हैं। इसमें आपने जो देखा होगा, और पुलिसकर्मी भी हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, मीडिया कर्मचारी भी यहाँ खड़े हुए हैं, और गाँव के जवान भी खड़े हुए हैं, और गाँव के लोग भी, पुलिस अधिकारी भी, और हमारे जो तालुका विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सभी सपोर्ट करते हैं सरकारी काम के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए या किसी के लिए नहीं है, वो अपने गांव की जनता के हित में वो काम हो रहा है। कुछ अमुक लोग जो हैं जो दबान करके और पूरे गांव को परेशान करते हैं, इसलिए उसकी परेशानी का समाधान हो इसलिए काम किया जा रहा है। और पंचायत उसके ऊपर कोई जो दबान करता है उसके ऊपर कोई कार्यवाही या दंडनीय कार्यवाही कोई करेगी? देखिए कायदे सर, हम लोगों ने सबको नोटिस दिया हुआ है, जितने दबान वाले हैं। अभी आप हम जब जहाँ खड़े हैं, ये कुछ हमारा 1500 मीटर करोड़ कुछ 25 लाख रुपया मंजूर हुआ है, और दीपावली से काम चालू करना था लेकिन दबान की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन टूक समय में अगर ये अपने आप से नहीं खाली करते हैं तो हिटाची मशीन या जिससे भी लगा के